खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। अगर आप भी देना चाहते हैं कोई खबर या जानकारी तो इन नंबरों पर करें संपर्क। अफगानिस्तान में काबुल के हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को तालिबान ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। अमेरिका का आखिरी विमान अफगानिस्तान से जा चुका है और 20 साल लंबा उसका अभियान अब खत्म हो गया है। सोमवार रात को अमेरिका के आखिरी विमान ने अफगानिस्तान से उड़ान भरी। इसके बाद काबुल हवाई अड्डे पर तालिबान ने नियंत्रण कर लिया। अमेरिकी सेना ने ऐलान किया कि उसके सभी सैनिक अब अफगानिस्तान से जा चुके हैं। सेंट्रल कमांड के जनरल कैनेथ मैकेंजी ने कहा, मैं यहां अफगानिस्तान से निकासी पूरी हो जाने की घोषणा लेकर आया हूं। 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल में प्रवेश किया था और उसके साथ ही काबुल हवाई अड्डे पर लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया था जो देश छोड़कर जाना चाहते थे। पिछले 2 हफ्तों में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने 1,22,000 लोगों को अफगानिस्तान से निकाला है। खबरें हैं कि आखिरी अमेरिकी विमान के जाने के बाद अफगानिस्तान में जश्न मनाया गया। राजधानी काबुल में खुशी में हवा में गोलियां दागी गईं। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने एक ट्वीट करके कहा, आज रात अफगानिस्तान समयानुसार 12 बजे बाकी बचे अमेरिकी सैनिक भी काबुल से चले गए हैं और हमारा देश पूरी तरह आज़ाद हो गया है। खबरों के मुताबिक कई चेक पोस्ट पर खुशी में गोलीबारी की आवाज़ें भी सुनी गईं। ऐसे कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किए जा रहे हैं जिनमें तालिबान को हवा में गोलीबारी करते देखा जा सकता है। अमेरिका में मदद जारी रहेगी। अभी भी बड़ी तादाद में ऐसे लोग अफगानिस्तान में हैं जो देश से निकलना चाहते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने कहा है कि अमेरिकियों, अफगानों और उन सभी की मदद लगातार जारी रहेगी जो देश छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 200 से कम अमेरिकी ही अब अफगानिस्तान में बचे हैं। उन्होंने कहा कि काबुल में अमेरिकी दूतावास निकट भविष्य में बंद रहेगा और वहां से काम कर रहे दूतावास के अधिकारी अब कतर में दोहा से काम करेंगे। अमेरिकी सेना के मुताबिक अफगानिस्तान से उड़े आखिरी चंद विमानों में कोई अमेरिकी नागरिक नहीं था। अमेरिका अब बाकी बचे लोगों को निकालने के लिए कूटनीतिक तरीके अपनाएगा। सब्सक्राइब करें एबी न्यूज इंडिया के यूट्यूब चैनल को, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल अपडेट।